ये सत्याग्रह ये नाटक था सर, ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। राम के पुजारी को, राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं। ये तुरंत बंद हो गया है। और सर देख रहा है, नहीं आए। और सर गृह मिनिस्टर को जवाब देना चाहते थे, वो मिनिस्टर जवाब से बच गए। गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते थे, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। नहीं नहीं सर, आप उस पर हमारा बहुत डिबेट चल रहा है सर। मैंने आपको कई बार मौका कहा, आप बैठे गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। सर हमारा बात जवाब देना चाहते हैं। कल हम एक घंटे चिल्लाया, आपने हाउस बंद किया। कल हम एक घंटा नारे लगाए, फिर भी हाउस में बंद नहीं किया। आज कुछ बोलते नहीं तो बोलो, आज कुछ नहीं बोला, फिर आपने तुरंत आपका कोई ठीक है। मैं बोलता हूँ सर, हिंदुस्तान में एनआरसी को लेकर बात, एक बार एक मिनट सर, एनआरसी को लेकर, सीए लेकर सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंस सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। सर ये महात्मा गांधी जी जो दुनिया की शांतिपूर्ण आंदोलन की नेतृत्व दिया करते थे, जिनकी सारे दुनिया में पूजा होते हैं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को पीड़ितों लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था सर, ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है। राम के पुजारी को, राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं, ये रावण की औलाद। गौर से कश्मीर अभी इनएक्सेसिबल हो गया हमारे, हम जाना चाहते हैं, ये कोई हमारा, ये हमारा अधिकार है, क्यों हम जाने नहीं पाते? चलो सब, चलो चलो सब चले, कश्मीर हमारा अंग है। आपने कश्मीर को आंतरजातिक मुद्दा बनाया, हमने नहीं। यहाँ हम जब पूछे थे कि भाई अफगानिस्तान से तो हमारा कोई बॉर्डर नहीं, तो हमारा गृहमंत्री कहते थे कि आपको मालूम नहीं पीओके तो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ वो तो सही है, तो आप पीओके को कब लाओगे? अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने के बाद वो जो गिलजीट है, बाल्टिस्तान है, उसमें जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है गदारकोट तक जाएगा, हमारा हिंदुस्तान की ईस्टर्न फ्लैंक की सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। आप कह सकोगे कि पीओके में चाइना हस्तक्षेप ना करे? एक लफ्ज किया आपने, आपने एक बार कहा कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर नहीं होने देंगे, कहा। आपका प्रधानमंत्री कहते हैं कि 7 से 10 दिन हमें वक्त चाहिए, हम तबाह कर देंगे पाकिस्तान को। अरे हमारे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 साल में 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 13 दिन में बांग्लादेश छीन के पाकिस्तान की रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया, बहुत पहले तोड़ दिया। आपको जरूरत क्लियर कर दूं, इनके प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री हम सबके, सबके देश के। नहीं नहीं सर, हम के हम करे सर, मैं प्रधानमंत्री के बारे इज्जत करता हूँ। हमने सर प्रधानमंत्री को बड़ा इज्जत करते हैं कि नहीं? मैं जयशंकर जी को पूछना चाहते हैं, मैं जयशंकर जी को पूछना चाहते हैं कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कश्मीर इंटरनल मसला है? कश्मीर का साथ कोई इंटरनेशनल मसला नहीं है। अब चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर के बारे में क्या किया आपने? अभी चाइना म्यांमार कॉरिडोर में क्या किया? कायस्कू हमारा सी पोर्ट बन रहे हैं म्यांमार में, बे ऑफ बंगाल में हमारा खतरा पैदा हो रहे हैं। नेपाल के साथ चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हस्तक्षेप कर लिया, नेपाल भी खतरे में आ रहे हैं। इसका मतलब नेपाल के साथ कॉरिडोर, चाइना के, पाकिस्तान के साथ कॉरिडोर, म्यांमार के साथ कॉरिडोर। आपने कुछ बताया, ये चर्चा में कुछ आई, राष्ट्रपति की भाषण में कुछ आए? हमारे ईस्टर्न फ्लैंक वेस्टर्न फ्लैंक दोनों खतरे में पड़ गए हैं। अगर ये पीओके चाइना जब घुसने लगे, पीओके हैज बिकम अंडर द पोजिशन ऑफ पाकिस्तान and it will be treated as a fait accompli. अकुन नहीं, कुछ नहीं कर सकते। पीओके में अगर कुछ करना जाए पाकिस्तान चाइना के साथ आपको टकराव लेना पड़ेगा। आप तैयार है? बताइए आप तैयार है पाकिस्तान और चाइना के साथ एक साथ मुकाबला करने के लिए? तो तैयार है तो क्यों नहीं पीओके का कब्जा कर लेते हैं? आपका यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट हमें मंजूरी दे तो हम कर लेंगे पीओके कब्जा। 1994 में इसी पार्लियामेंट सर्वसम्मति से हम पारित किया था एक प्रस्ताव, एक रेजोल्यूशन कि पीओके को हमारा कब्जे में लाना चाहिए। आज भी सरकार की तरफ से एक दूसरा रेजोल्यूशन लाया जाए, सरकार की तरफ से दूसरा रेजोल्यूशन लाया जाए कि हाँ चीफ ऑफ आर्मी
हम चाहते हैं पार्लियामेंट की तरफ से पीओके को कब्जे में लाओ, हम चाहते हैं। आपको हिम्मत है? आपको हिम्मत है? आप दिन और रात खाली पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पाकिस्तान को है क्या? हमारा बीएसएफ पाकिस्तान को हरा सकता है, आपकी कोई जरूरत नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, यू आर रोरिंग लाइक ए लायन अगेंस्ट पाकिस्तान, बट यू आर व्हिम्परिंग लाइक ए पिग्मी अगेंस्ट चाइना। दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ आवर कंट्री। कहिए, यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में दो बार ये मुद्दा उठाया ही नहीं, क्लोज डोर में भी हो लेकिन उठा तो सही। यूरोपियन पार्लियामेंट हुआ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, सारे दुनिया में ये कश्मीर को लेकर और सीएए को लेकर हमारे खिलाफ आवाज बुलंद हो रहे हैं। इसमें क्या हमारा जो स्टेटस ये नहीं घट रहे? हमारा स्टेटस, हिंदुस्तान की जो स्टेटस, वो कमजोर नहीं होते हैं? इसके चलते हमारा प्रधानमंत्री डाभोस में नहीं गया, डाभोस में नहीं गया आप लोग, हमारा प्रधानमंत्री। और हमारा जो सारे डिप्लोमेटिक एसेट है, ये डिप्लोमेटिक एसेट जीत का मालिक जयशंकर जी है, ये डिप्लोमेटिक एसेट तो आप किससे इस्तेमाल करते सारे दुनिया को समझाने के लिए? क्या भाई, कश्मीर हमारा आंतरिक मुद्दा है, सीएए हमारा आंतरिक मुद्दा है, आपको तो और कोई काम नहीं, आपको तो और कोई काम नहीं? अफगान पीस प्रोसेस में भाग ले सकते हैं? नहीं। इंडियन ओशन रीजन में जो रीजनल समस्या है, इंटरनेशनल समस्या है, आप कोई भाग ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि अपना सारे फोर्सेस आपने तैनात कर दिया, सारे डिप्लोमेटिक एसेट आपने लगा दिया सारे दुनिया को समझाने के लिए, भाई कश्मीर हमारा है, हमारा है, हमारा है, सीएए हमारा आंतरिक मसला है। क्यों आपको, क्यों इससे ज्यादा एग्रेसिव क्यों नहीं देखना पाते हम लोग आज सारे दुनिया में? आप देखिए हमारा डबल हुआमी क्या है, ये हमारा डबल हुआमी है कि कश्मीर पीओके चीन के साथ जाना चाहते और हम कब्जा करने चाहते। चीन आगे निकलते मोरालिटी ग्राउंड में, चीन आगे निकल गया और हिंदुस्तान पीछे रह गया, ये हमारा डबल हुआमी है। आप ये स्वीकार करें या ना करें, आपका राय है ये कि चाइना के साथ हमारा इतना दुश्मनी रहते हुए भी आप चाइना को 5G कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? जहां अमेरिका ना कर दिया, यूरोप ना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ना कर दिया, कनाडा ना कर दिया, आप 5G को उसका क्यों सुविधा दे रहे हैं? ये हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें खरीदा इसमें अगले दिन इस तरीके की 5G अगर चाइना को मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा, इसमें भी आप सोच समझ के कदम उठाएगा सर। ये सर मैं सर दो बात कहना चाहते हैं कि एक सर ये सरकार की जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे सर, उनका काफी नजदीक एक एडवाइजर थे, उनका नाम सर कुलकर्णी जी। सर कुलकर्णी जी एक बात कही सर, सुधेंद्र कुलकर्णी को मैं कोट करना चाहते हैं सर। सुधेंद्र कुलकर्णी ने एक बात किया कि व्हाट डज दिस संघ परिवार वांट, संघ परिवार वांट सेकेंड रिपब्लिक, क्योंकि पहला रिपब्लिक में उनका कोई योगदान नहीं था, पहला आजादी में कोई योगदान नहीं था, ब्रिटिश लोगों को दलाली किया था, ब्रिटिश लोगों को लिए आपने युवाओं को रिक्रूट करने के लिए कहा था, तो उसमें कोई योगदान नहीं था, इसलिए वो सेकेंड रिपब्लिक चाहते हैं। तो कोर्ट से निकाल देना, ये सेकेंड रिपब्लिक का मतलब क्या होता है सर? सर सेकेंड रिपब्लिक का मतलब ये होते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए सर, डी नेशनलाइजिंग ए कम्युनिटी और एटलीस्ट डिमिनिशिंग इट्स प्लेस इन द नेशन इज ए हिडन एजेंडा ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। वो क्या चाहते हैं? दे फोरटेल ए प्लान बाय द संघ परिवार, द आइडियोलॉजिकल फैमिली टू व्हिच द रूलिंग पार्टी बिलोंग्स, टू ट्रांसफॉर्म द इंडियन स्टेट इनटू ए हिंदू स्टेट, इंडियन सोसाइटी फ्रॉम ए हिंदू मेजोरिटी सोसाइटी इनटू ए हिंदू मेजोरिटेरियन सोसाइटी, एंड फाइनली द इंडियन नेशन इटसेल्फ इनटू ए हिंदू नेशन। मैं नहीं सर, हो गया, सुधेंदु कुलकर्णी की एडवाइजर की ये बयान है, ये मेरा नहीं सर। सर और एक बात कहना चाहता हूँ, एक एफएस आयजुद्दीन बोल के एमिनेंट पाकिस्तानी स्कॉलर है सर, उन्होंने कहा कि वी पाकिस्तानी हैव पेड ए ह्यूज प्राइस, violent conflicts, sectarianism, extremism, intolerance and loss of rights and freedoms, because we allowed islamization of our state and society. If India wants to commit the same